हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है विपुल और आप देख रहे हैं ट्रेड स्मार्टली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट शेयर्स को और इनको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। वन बाय वन स्टॉक के प्राइस एक्शंस को देखेंगे और इनमें जो भी प्राइस एक्शन को फॉर्मेशन हो रहा है, चार्ट पैटर्न्स को फॉर्मेशन हो रहा है, उनको भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं आज के बढ़िया ब्रेकआउट शेयर्स जो कि अगले हफ्ते अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी रह सकता है। दोस्तों, तो आज का जो पहला स्टॉक है हमारा वो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसका कल मार्केट प्राइस अभी चल रहा है फिलहाल 1631 के पास। तो अगर हम इस स्टॉक का पैटर्न देखते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एक चैनल पैटर्न दिखाई देगा। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये जो चैनल पैटर्न है, इसमें स्टॉक ने एक साल से कंसोलिडेट किया था करीब, और एक साल से कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब इस स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने इस स्टॉक को रेकमेंड किया था दोस्तों ब्रेकआउट सीरीज़ में। तो ये स्टॉक वहाँ से काफ़ी ऊपर चला गया था ब्रेकआउट होने के बाद, और ये स्टॉक फिर से इसी पैटर्न पर आने के बाद फिर से एक बार ऊपर चला गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इससे तीन बार हुआ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से आया और फिर दूसरी बार भी यहाँ आया, और अभी ये स्टॉक फिलहाल यहाँ पर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके आप देख सकते हैं इस पैटर्न में। तो अब हम यहाँ पर एक फिर से एक ब्रेकआउट की उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। एक स्मॉल रेंज है यहाँ पर, जिसके आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और ये जो रेंज है ऊपर का पिंक लाइन, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है उसके साथ ही ये अगर फिर से चैनल पैटर्न के ऊपर निकल जाता है, यानी कि ये जो चैनल पैटर्न है आप देख सकते हैं एक साल का चैनल पैटर्न, इसके अगर ये फिर से ऊपर सस्टेन करता है यानी कि 1630 का लेवल, तो यहाँ पर हम फिर से एक अच्छा मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ, जो कि है इसका टारगेट 1799 के पास। तो 1800 का आपका यहाँ पर टारगेट होगा दोस्तों, अगर ये 1630 के ऊपर सस्टेन करता है। तो यहाँ पर आपका जो एंट्री प्राइस होना चाहिए वो है अराउंड 1630 के पास ही दोस्तों। तो आप यहाँ पर अगले हफ्ते मंडे को 1630 के ऊपर अगर ये स्टॉक कंफर्टेबली जाता है, सस्टेन करता है, तो आप यहां पर एंट्री कर सकते हो, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए अराउंड 1800 का, और जो स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए अराउंड इस लेवल के पास, जो कि ये वॉयलेट लाइन मैंने ड्रॉ किया है हायर लोस का फॉर्मेशन, वही आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, यानी कि ये लेवल, ये जो लेवल है 1575 का, ये आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये इसका रिसेंट लो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी छोटा है यहाँ पर, और हमारा यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर हमारा RRR रेशियो काफ़ी फेवरेबल है दोस्तों। तो ये थे लेवल्स और टारगेट्स हमारे पहले स्टॉक का दोस्तों, जो कि है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो अभी हम देखते हैं हमारा आज का दूसरा स्टॉक। यहाँ पर हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी इसका कल मार्केट प्राइस चला है करीब 397 के पास। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है क्लियरली इस स्टॉक में। तो यहाँ पर हमें सिंपली एंट्री तभी करनी है दोस्तों जब ये अगले हफ्ते इस रिसेंट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए, तभी आपको इसमें एंट्री करना है। तो ये जो रिसेंट कैंडल है यानी कि फ्राइडे की कैंडल, इसके हाई के ब्रेकआउट का आपको इंतज़ार करना है। अगर ये मंडे को इस कैंडल के हाई के ऊपर चला जाता है, हाई के लेवल के ऊपर, यानी कि 399-400 का लेवल है, तो 400 के जब ये ऊपर चला जाएगा कंफर्टेबली, तभी आपको इसमें एंट्री करना है। और जो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेड में वो होगा अराउंड इस लेवल के पास। ये जो आपको स्विंग दिखाई दे रहा है, ये स्विंग लो ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपका लेवल निकल के आ रहा है स्टॉप लॉस का करीब 364 का दोस्तों। तो 364 का आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है इस ट्रेड में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंसोलिडेशन हुआ है, जो कंसोलिडेशन पीरियड है, आप देख सकते हैं जून से लेकर अभी तक है। यहाँ पर काफ़ी दिनों से ये कंसोलिडेशन कर रहा है करीब 8 महीनों से, और इसका जो टारगेट निकल के आएगा वो काफ़ी बड़ा टारगेट रहेगा। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो होगा अराउंड 425 का दोस्तों। यहाँ पर एक बार टारगेट को कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो लो टू टॉप यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, तो ये हमारा टारगेट बनेगा ब्रेकआउट लेवल के पास से। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फाइनल टारगेट निकल के आ रहा है वो है करीब 440 तक। तो ये स्टॉक 440 तक जा सकता है दोस्तों। तो ये हमारा टारगेट होगा दोस्तों, फाइनल टारगेट। तो 440 का आपका टारगेट है, स्टॉप लॉस है 364 का। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इस ट्रेड में हमारा बन रहा है दोस्तों। तो ये थे लेवल्स और टारगेट्स इस स्टॉक के प्राज इंडस्ट्रीज। काफ़ी बढ़िया चार्ट पैटर्न है इसमें, तो ये आपके लिए स्टॉक एकदम बढ़िया रहने वाला है। तो अभी हम देखते हैं दूसरा स्टॉक दोस्तों। तो जो लास्ट स्टॉक है वो है HFCL लिमिटेड। अभी इसका कल मार्केट प्राइस चल रहा है करीब 92 के पास दोस्तों। इसमें अगर हम चार्ट पैटर्न को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि मैंने ब्लू लाइन से मार्क किया है, जो कि है रेजिस्टेंस 92.55 का। तो ये जब रेजिस्टेंस ये स्टॉक ब्रेकआउट कर देगा प्रॉपरली, तब ये स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तो यही मूवमेंट हमें कैप्चर करना है अगले हफ्ते। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि मंडे को ये ब्रेकआउट कर सकता है दोस्तों। तो जब ये ब्रेकआउट कर देगा इस लेवल को प्रॉपरली,
तो आपको इसमें एंट्री करना है दोस्तों करीब 95 लेवल के पास, क्योंकि 95 का यहाँ पर हमें हाई दिख रहा है इस कैंडल का जो कि है 5th जुलाई का कैंडल, तो ये हाई का हमें वेट करना पड़ेगा। 95 इस लेवल को भी पार कर देता है तब हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एंट्री करने के बाद जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेड में वो होगा अराउंड इस रेजिस्टेंस के पास दोस्तों, जो कि अभी सपोर्ट के जैसे एक्ट कर सकता है। तो ये स्टॉक के लिए पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था आप देख सकते हैं, तो अभी ये सपोर्ट होगा इस स्टॉक के लिए अच्छा, तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, जो कि है लेवल अराउंड 80 का दोस्तों। तो 80 का स्टॉप लॉस होगा आपका, और जो टारगेट होगा इस ट्रेड में आपका वो होगा अराउंड लो टू टॉप अगर हम मेजर करते हैं तो ये आपका टारगेट बनेगा 125 तक। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक अराउंड 125 तक जा सकता है, तो हमारा टारगेट यहाँ पर फाइनल टारगेट बन रहा है 125 का। तो आप देख सकते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर भी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा है, तो ये स्टॉक हमारे लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है दोस्तों। तो ये थे लेवल्स और टारगेट्स इन सभी स्टॉक्स के दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।